मध्य प्रदेश अब जो है भ्रष्टाचारी प्रदेश बन रहा है, यह हम नहीं कही, यह मध्य प्रदेश के हालात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में आए दिन अब लोकायुक्त के द्वारा जो है बड़ी बड़ी कार्यवाही की जाती और अधिकारी और कर्मचारी इनका रंगे हाथों गिरफ्तार की जा रहा है। विन्नी क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का समय जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम में है, आए दिन लोकायुक्त के द्वारा जो है भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी अधिकारी का जो है गिरफ्तार की जाते हैं, कार्यवाही की जाती। यह कड़ी में पन्ना जिला में लोकायुक्त के द्वारा बेहद बड़ी कार्यवाही की गई और यहां के टीम के द्वारा जो है तहसीलदार का 1,00,000 रुपये के रिश्वत ले तिरंगे हाथों गिरफ्तार की गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही जो है सागर लोकायुक्त के द्वारा की गई है। कार्यवाही के बाद से कार्यालय में हड़कंप मचा है। सागर लोकायुक्त के द्वारा जो है पन्ना जिला के अजयगढ़ में पदस्थ एक तहसीलदार उमेश तिवारी का 1,00,000 के रिश्वत ले जो है सर्किट हाउस में जो है रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि उमेश तिवारी जमीन के हस्तांतरण के एवज में अंकित मिश्र से रिश्वत मांगी गई रही। लोकायुक्त के कार्यवाही के बाद जो है सर्किट हाउस में जो है हड़कंप मचा है। टीम के द्वारा जो है भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत तहसीलदार पर कार्यवाही की गई। बताया दी कि मध्य प्रदेश में लगातार रिश्वत के मामला सामने आ रहे हैं। हाल में जो है सागर मां मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के सब इंजीनियर का लोकायुक्त के द्वारा जो है 26,000 और कृषि अभियांत्रिकी विभाग सागर मां पदस्थ मैकेनिकल असिस्टेंट राज सिंह का 25,000 रुपये के रिश्वत ले तिरंगे हाथों पकड़ा रहा है। एक पहले जो है ग्वालियर सीधी मां लोकायुक्त के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। निश्चित तौर पर ऐसा कार्यवाही जो है कहो न कहो सिस्टम के पोल खोले काम करते हैं। वो कहे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया जो है दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश जो है शांति के टापू आए। कहां से शांति के टापू आए, रोज आए दिन बलात्कार हो रही है, बिटिया बहन की इज्जत लूट रही है और हालात यह है कि भ्रष्टाचार इतना जड़ मजबूत हो चुकी है कि आए दिन अब लोकायुक्त में भ्रष्टाचार इनका पकड़ी रही है, गिरफ्तार कर रही है। तो आप अपना खुद कल्पना कर ली कि आखिर हम अपना कौने प्रदेश में जी रहे हैं, हम अपना कौने सिस्टम में जी रहे हैं। वास्तव में सरकार जो है पूरी तरह से निरंकुश हो चल लगी। हालात यह है कि भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस जो है आम आदमी का जीन ही दे लगा है, उनका खाए मां बिल्कुल आमादा है, तुला है। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।